इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और बनाए जाएंगे, 2.25 लाख। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए, उनके खर्चों में हाथ बटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। आज की 14वीं किस्त को जोड़ दें तो अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। इन पैसों ने छोटे छोटे अनेक खर्च निपटाने में किसानों की बड़ी मदद की है। हमारी सरकार कैसे अपने किसान भाइयों के पैसे बचा रही है, इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी है। और देश भर के किसान मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई, खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया। लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की सच्चाई बताना चाहता हूं। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपए में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपए में वो बोरा मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपए में देते हैं, उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपए में मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपए में देते हैं, उतनी ही यूरिया की बोरी चीन में किसानों को 2100 रुपए में मिलती है। और आप जानते हैं अमेरिका में यूरिया की यही बोरी आजकल कितने रुपए में मिल रही है? यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपए से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपए से ज्यादा देना पड़ता है। कहां 300 और कहां 3000? हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी।